दर्शकों, हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे साथ हैं पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र श्री लव कुमार, जिन्होंने आज अपने पदभार को संभाला है और आप से हम बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डीआईजी आगरा रेंज बनने का। थैंक यू। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आपने पदभार संभाला है, इस पदभार को संभालने के बाद आपकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, अभी क्योंकि ज्वाइन किया है तो अभी चीजों को देख के समझ के, हालांकि जो मुझे लगता है यहाँ पे ये टूरिस्ट सेंटर है और यहाँ पे पर्यटकों से रिलेटेड जो समस्याएं रहती होंगी वो प्रायोरिटी में रहेंगी। ट्रैफिक और महिला संबंधी जो अपराध है तो वो खासतौर से, और बाकी तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों का फोकस रहता ही है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि पब्लिक से संवाद बना रहेगा और यथासंभव प्रयास होगा कि अपराध पर नियंत्रण पुलिस के द्वारा किया जाएगा, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहेगी और लोगों के भी जो सुझाव होंगे वो आमंत्रित किए जाएंगे। और मथुरा को लेकर कुछ कहेंगे आप? मथुरा को लेकर आप आएंगे तो बताएंगे जी। मथुरा में भी रहे ही हैं आप, और मथुरा में भी हाँ मेरे ख्याल से ट्रैफिक के इश्यूज रहते हैं और बाकी, क्योंकि मथुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं तो वहाँ पर जो वृंदावन में खासतौर से तो व्यवस्था को लेके कई बार सैटरडे संडे में बहुत दिक्कतें हुआ करती है, उसमें अगर कुछ सुधार कर पाएंगे तो उसमें मेरा विशेष फोकस रहेगा। जी 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 बिल्कुल, आप क्योंकि मथुरा में रहे ही हैं तो ये सारी जानकारी है यहाँ पर, बाकी तो सब यहाँ पर ईश्वर की कृपा है और बिहारी जी के भी दर्शनों के लिए आप अवश्य पधारें। और हमारा तो अनुरोध आपसे यही है कि आपका परिक्षेत्र है, आप आज ज्वाइन किए हैं तो आज ही बिहारी जी के दरबार में हाजिरी लगाइए, ये तो परंपरा मथुरा की। बिल्कुल। आपने इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे आगरा परिक्षेत्र के नए पुलिस उप महानिरीक्षक श्री लव कुमार।